आज महाराष्ट्र सब प्रदेशों से आगे है। अभी मोहन प्रकाश जी मुझे आंकड़े दिखा रहे थे सुबह, एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसमें महाराष्ट्र बाकी प्रदेशों के आगे नहीं। मगर बीजेपी के नेता यहां आते हैं, कहते हैं भैया महाराष्ट्र को मैं गुजरात बनाना चाहता हूं। अरे भाई आप गुजरात से आगे हैं, आप सब जानते हैं ये बातें जानते हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ आपकी मुश्किलों में खड़े होते हैं। सच्चाई है कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है, झाड़ू लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है, मगर जब चीन की सेना अंदर आती है तो नहीं सुनाई देता, तो शांति होती है। हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया दिल्ली से लेकर मुंबई और रोजगार आपको मिलेगा, मगर सिर्फ रोजगार से काम नहीं होता है, अस्पतालों की जरूरत होती, शिक्षा की जरूरत होती, दवाई की जरूरत होती, गरीबों को मदद करने की कानून की जरूरत होती। ऐसी सरकार हम चलाते हैं। यहां सूखा पड़ा था तब कौन आपके पास आया? कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, हम आपके साथ खड़े हुए, ड्राउट रिलीफ का बड़ा काम किया, सबसे बड़ा ड्राउट रिलीफ का ऑपरेशन हमने किया, आपके जो लोन थे वो कैंसिल किए, बिजली के बिल आपके जो थे वो माफ किए, क्योंकि हमें मालूम था कि आपके ऊपर कठिनाई आई, आपके घरों में मुश्किल है, दुख है, इसलिए हम आए, सरकार आई और सरकार ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए हम राजीव गांधी जीवन देय स्वास्थ्य योजना चलाते हैं, इसलिए हम गरीबों को मुफ्त में दवाई देते हैं, अस्पतालों में आपके लिए जगह बनाते हैं,